ये मानने का तो अलग बात है, कोई सोचना भी नहीं चाहता है कि इसको बार बार बोलेंगे उठने या ऊपर जाके ये लाने, ऊपर जाके वो लाने, या फिर बाहर जाने, कुछ ये बात तो भी। तुम अभी वीडियो में बोल रही हो, तुम ऐसे बोल देते कि हमको दिक्कत हाँ हो रहा है यहां अच्छा से वहां चलिए, जाने कल में। तो ये चोट लगा होगा, उसके पहले 2 दिन पहले से इस पैर में दर्द था, हाँ, ये आपके वाला क्या पूरा फर्क पैर था, ही दर्द हो रहा मैं है। उस चीज का आपके क्या फर्क था, आपका एक काम थोड़ा रहता है दवा ना, तो ला दी अब है। एक कुछ खाने का कुछ ऊपर छूट जाए ये ला दो। सो हे गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सोना सिंह। हाँ ये है इस साइड में, वही वही पूरा में, तो इधर ये है, बाकी आ जाओ, क्या दौड़ना तो हम ही को है, तो उसके पहले अपना सामान एक जगह पहले इकट्ठा कर लें। बाकी अभी सुबह सुबह का टाइम है और हम लोग चाय बिस्किट पे बैठे हैं और सोनाली इधर है, तो सिर्फ हम लोग ही दिख रहे होंगे। और हमारे साथ जो हमारे बोलते हैं ना बैकबोन भाई, कम बैकबोन ज़्यादा हो गया, तो विशाल अभी आपको नहीं दिख रहा होगा। और आपको पता है कि 2-3 दिन से विशाल का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। बट उससे पहले सोनाली का जो रक्षाबंधन का गिफ्ट मिला है वो ये रहा, तो कुछ इधर भी मिला है और कुछ कैश भी मिला था। तो पैसा में होता है कि शादी के बाद हमको फायदा हो गया, एक जितना भी पैसा मिला था इसको रक्षाबंधन में, वो सारा पैसा ले जाके कल हमको डिनर पार्टी दी है, तो इसका सारा पैसा खत्म हो गया। अगर फिर भी कुछ बचा है तो एक दिन और पार्टी ले लेंगे। तो अच्छा लगा था वो पार्टी, पार्टी में क्या था नहीं था वो बाद में कभी दिखा देंगे। बट बाकी पीछे में हमारा बैनर रहा, तो हमारा पहले जो ऑफिस था सिर्फ एक ही जगह था हाजीपुर में, अभी दूसरा अटल पथ इंद्रपुरी रोड नंबर 15 दुर्गा चौक के नज़दीक पटना में डाले हैं, तो उधर भी कोई आना चाहे तो आ सकते हैं। चलो नेक्स्ट दिखाओ कि तुम्हारे पास है क्या ये क्या। वाला सूट का पीस है जो कि इसको स्टिच करवाना पड़ेगा, ओके। लेकिन ये येलो कलर का सूट है जिसको स्टिच कराएंगे। ये भी है मेरी मामी, और ये वाला जो सूट है और इसका सूट दिखाने के चक्कर में मेरा टोस्ट देखिए कैसा हो गया। कोई नहीं, जब तक गड़ जाता है। और और ये वाला सूट जो है ब्लैक वाला, भैया को राखी पहने थे तो ये भैया दिया था, ये हो गया। और बाकी छोटा छोटा भाई का बंधा है तो मुझे कैश दिया था तो उसका जो कि आधा। आप वीडियो में देखे होंगे, हम भी उनके उन भाई को नहीं पहचानते थे, लेकिन लेकिन जो तुमको आया था गोल्ड राखी वो 5 आया था, तो उसमें 5ों यूज किया, एक ही बांधी हो अभी तक एक ही बंधा है। बाकी हाँ इसको कहते हैं, ये गिरा दी स्टाइल अभी तो मारना भी नहीं बंद आया। नहीं होगा। आइए आप भी बैठिए, खाइए ना, तो लिट्टी खा ले, तो चाय पी ले, चाय बिस्किट। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, नहीं इनको नहीं विदा थोड़ी देर में कर नहीं, क्या। बाकी लोग अभी हम सब कोई चलने वाले हैं मैटरनिटी हाँ शूट के लिए पटना में, और ब्लॉग अगला ब्लॉग बनाएंगे, और इसलिए बनाएंगे बिकॉज वो भी जो आदमी है सोशल मीडिया टाइप है जिनका हम लोग मैटरनिटी शूट के लिए जा रहे हैं, तो उनको सोशल मीडिया पर डालने से कोई दिक्कत नहीं है। सो चल के उनके साथ पूरा ब्लॉग बनाएंगे कि आखिर उनका शूट कैसे हो रहा है। बाकी चाय बिस्कुट उठाओ, बाकी ये सब दो आदमी आसान जो है चाय बिस्किट खाए, अब हम लोग खाएंगे भी सोच रहे हैं खा लेगा कि कोई नहीं, अब हम लोग खाएंगे भी तो बिस्किट बिस्किट का प्रचार करेंगे, दूध कहाँ खाया है वो प्रचार करेंगे। चलिए इसलिए आप लोग कोई भी चीज हो फ्री में एक एक चीज पहुंचाया करें, और हम लोग बस ऐड नहीं करते रहेंगे उसका। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। इसी ब्लॉग में खत्म अच्छा करना है। हाँ हाँ बोलिए, कुछ बोलना था ना चलो, मेन आपको। मुद्दे की बात है कि हम लोगों का बहुत प्लान था, प्लान फिक्सिंग बताते हैं कि हम लोग को कल निकलना था दार्जिलिंग, मतलब वो भी दार्जिलिंग में सिर्फ हम और अब कैमरा के पीछे जो वही जा रही है, दो आदमी थोड़ा अभी VIP टाइप काम चल रही है, अभी पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा बिजी है बेचारा, उसका एग्जाम है, और वो थोड़ा अभी गांव में अकेला हीरो है जिसको पूरा गांव देखना है, तो वो अपना गांव में अपना हीरो वाला रोल करेगा। लेकिन यही दोनों आदमी का श्राप लगा है जो हम लोग अभी नहीं जाने वाले हैं, बिकॉज हम चले जाएंगे तो यहाँ पे विशाल था जो संभालने वाला था, और विशाल अभी ग्रसित हो रखा है, उसका जो तबीयत खराब खराब चल रहा था उसमें उसका रिपोर्ट निकल के आ गया और टाइफाइड हो गया है। वो दिक्कत नहीं है कि हम लोग दार्जिलिंग जा नहीं जा पाएंगे, बट उससे भी ज़्यादा दिक्कत है कि उसका तबीयत खराब हो गया। अच्छा कुछ भी नहीं लग रहा है बिकॉज वही था जो साथ में हर दिन रहता था घूमता था। बोल हम इधर रहे, कैमरा तुम इधर दिखा रही हो, आपको पता है कि कैमरे में नहीं कवर कौन हमको हो ऐसा रहा लग है? रहा था। तो बाकी मैं बताऊँ देखिए, कैमरामैन पे कभी उंगली नहीं उठाना चाहिए, आपका क्या कैमरा, से क्या कर देगा ना वो वीडियो में, आपको नहीं मैं पता। तुम मोबाइल वाली कैमरामैन हो, हम तो कैमरा वाला कैमरामैन है। जो भी हो, बट आप उसमें आ रहे थे, ऐसा नहीं है कि आपको साइड रोल दिया जा रहा था, हीरो आप ही रहिएगा, चिंता मत करिए। चल ठीक है, विशाल वाला स्टेटस बताओ अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है। तो अभी चाय बिस्किट खाते खाते हम लोग जिस मुद्दे पे थे उस बात को पहले खत्म करो जल्दी से। विशाल की तबीयत ज्यादा खराब है,
वीकनेस इतना है कि बैठ नहीं रहे हैं, वो लेटे ही रह रहे हैं। कमजोरी बहुत है, जो कि तुरंत में दवाई खाने से नहीं होता, वो धीरे धीरे कोई भी चीज़ रिकवर होता है। प्लेटलेट वगैरह ज़्यादा कम हो गया है, तो उसके लिए डॉक्टर बकरी का दूध और पता नहीं क्या क्या बताया था। नहीं होगा ऐसा, नहीं है कि हम लोग को बताने का जो होता है। बोलो बोलो। बकरी का दूध हमारे ज़्यादा दूध। हाँ तो नहीं, बट लेकिन यहाँ पे है कि यहाँ पे सिर्फ हम ही दोनों थे, तो उसको लगा कि घर के साथ में रहना चाहिए या फिर माहौल नहीं मिल रहा था, तो इसलिए वो वहाँ पे ज्यादा हो गए, थोड़ा वहाँ ज्यादा हंसते बोलते रहता है लोग। यहाँ दो जने, वो भी आधे जने ऊपर नीचे ऐसे ही रहते हैं लोग, तो शायद इधर इसीलिए भी साल वहाँ पे है। और भी कुछ शॉपिंग भी हम लोग किए थे जाने के लिए, लेकिन अभी वो प्लान पे ही पता नहीं चल पा रहा है। वो मेन अच्छा नहीं लग रहा है, घर वाले बोले ना बोले, बट हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है उस चीज़। और ऊपर से कल सोनाली चली गई थी अपने मामा के यहाँ रक्षाबंधन में, मतलब क्योंकि उनके भाई वहीं पे थे, उनके पूरे फैमिली वहीं पे थे, तो ये उधर चली गई थी और कल अकेले ये आई, मतलब अपने भाई के ही साथ आई थी, लेकिन इसको भाई छोड़ के जब चले गए तो ये वाला जो घर था ये पूरा अकेला था, ये पूरा बंगला में अकेले ही थी कल। और अकेले के चक्कर में होता है ना कि लाइट उट कम बारना चाहती है, इसको लगता है कि ये इतना बड़ा अगर बल्ब जलेगा तो बिजली बिल ज़्यादा उठेगा, सो लाइट ऑफ था और इधर से ऊपर चढ़ के जा रही थी। फिर पता चला कि ऊपर 3-4 सीढ़ी शायद चढ़ी थी और उसके बाद गिरी है, ऐसा गिरी है कि इधर हाथ दिखा दो एक बार, ये वाला हाथ फोड़ के रखी है, बाकी ये ठेवना और हाँ और ये ठेवना, इस दोनों में कुछ नहीं, जैसे इसमें कुछ नहीं हुआ है ना, इसमें दिखाते हैं, दिखाने दो कि हुआ क्या। तो ये वाला ठेवना पूरा फुला के रखी हुई है। तो भाई आए थे, लेकिन भाई अगर 10 मिनट और रुक जाते तो शायद नहीं होता। जब आपका फोन आ गया ना कि आप यहाँ निकल गए, तब वो निकला यहाँ, तो हमसे मिल के नहीं जा सकते थे। आप खुद इतना लोग से मिल रहे हैं, क्या छोटा आदमी आपसे मिले, आप बड़े आदमी है, बड़े लोग से मिलते हैं। नहीं कम मान लो 10 मिनट और रुक जाते तो तुम गिरती नहीं ना कम से कम। ऐसा था, साड़ी पहने थे ना और ऊपर वाले पे अंधेरा था, यहाँ का तो जला लिया था लेकिन ऊपर का अंधेरा था, तो जाते तब जलाते, तो उसी में पैर लपटा के ऊपर से नीचे गिरी। बट चलो कोई ना, अब हर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो आदमी सोचता है कि चलो अच्छा हुआ कि सिर्फ इतना ही हुआ, बिकॉज ये साड़ी में गिरी तो ऐसा भी हो सकता है कि सर लगते लगते बचा है, तो चलो सर सही सलामत है उसके लिए अच्छा लगा, मुंह नाक में कुछ नहीं हुआ है तो वो अच्छा लगा, बट बाकी पैर का थोड़ा दिक्कत है, अंदर अंदर आदमी पैर का दर्द लेके मर रहा है, लेकिन सामने वाले को कुछ पता नहीं है, नहीं कुछ एहसास ही नहीं है। हम कहाँ बोल रहे हैं कि एहसास नहीं है, वहाँ पे ये चीज रखा है थोड़ा ला दो, यहीं पे देखो ना, यहीं पे ये चीज रखा हुआ है थोड़ा दे दो, मतलब बैठ के उठने में क्या दिक्कत हो रहा है ये मानने का तो अलग बात है, कोई सोचना भी नहीं चाहता है कि इसको बार बार बोलेंगे उठने या ऊपर जाके ये लाने हैं, ऊपर जाके वो लाने हैं या फिर बाहर जाने, कुछ ये बात तो तुम अभी वीडियो में बोल रही हो, तुम ऐसे बोल देते कि हमको दिक्कत हो रहा है यहाँ से वहाँ जाने में। तो ये चोट लगा तो हुआ, उसके पहले 2 दिन पहले से इस पैर में दर्द था, ये वाला पूरा पैर ही दर्द हो रहा है, उस चीज का आप पे क्या फर्क था, आपका एक एक काम तो रहता है, दवा तो ला दी, अब एक कुछ खाने का कुछ ऊपर छूट जाए ये ला दो, गंजनिया छूट गया ला दो, गंजी छूट गया ऊपर ला दो, और भी ऐसा समन्वय खो जाएंगे जो कि ऊपर होगा, मुंह ऐसा बन जाएगा जैसे हम नहीं जा सकते, हमसे ज्यादा लाचार तुम नहीं हो, तुम बहुत फुर्तीली हो, जाओ ऊपर चलो। बट ठीक है, इंसान की जिंदगी में कितना भी दुख हो, बट शादी के बाद लगता है कि वाइफ की जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख है। चलो और सबसे ज्यादा ये बटरिंग वाला सबसे ज्यादा यही लाइन है ना कि जिस वजह से आदमी लाख दर्द में वो सब कुछ कर देता, यही सब बटर मारने के लिए। कोई बात नहीं, इस बात को भी अब साइड करते हैं, अब आते हैं मेन, तुम्हारा ऐसे पूरा वीडियो में एक ही चीज चमक रहा था, तुम्हारा हाथ, तो एक बार हाथ दिखा दो, क्योंकि मेहंदी जब कल लगा था तो इतना ज्यादा नहीं चमक रहा था जितना ज्यादा अभी चमक रहा है, तो अगर ये वाला नहीं है मेहंदी भी ये नहीं है मेन इसके पीछे जो है, ये क्या है ना कि आज थोड़ा हल्का भी हो गया, उस दिन बहुत सुंदर लग रहा था ये सब मेहंदी। तो अगर आपको कभी ऐसा करवाना है तो ना आपको ये टेंशन लेना है कि मेहंदी कौन सा लाना है, कहाँ से लाना है, मेहंदी डिजाइनर कौन सा लाना है, कहाँ से लाना है, वो सब चीज के लिए हम यूट्यूब पे लिंक दे देंगे, उनका व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, आप बात कर दीजिएगा, आपका घर चाहे जहाँ भी है वो डायरेक्ट वहाँ पे आके आपका मेहंदी लगा के जाएंगे, और एक एक छोटा छोटा सा फंक्शन से लेकर बड़ा बड़ा फंक्शन हो या फिर बिना फंक्शन के भी आप चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं, हम लोग ट्राई किए थे सो बहुत बेहतर रिजल्ट निकल के आया। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे अगले ही ब्लॉग में।